तो किसान कानून से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। 1.5 साल तक कानून टालने का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसान कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव भी जो सरकार की तरफ से आया था ये मंजूर नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों से अपील है कि सरकार ने फिर से कृषि कानून 1.5 साल तक रद्द करने की बात कही है, आप उस पर विचार करें। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर भी किसान अड़े हुए हैं। इस बीच अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की 100 ट्रैक्टर के साथ। विज्ञान भवन से राहुल डब्बास इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल डब्बास, एक और प्रपोजल जहां सरकार फिर से झुकती हुई नजर आई, फिर से मेंड होती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि किसान कानून वापस लेने से कम में राजी होंगे, क्योंकि अभी तक सारे प्रस्ताव खारिज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अब स्टफनेस दोनों तरफ आ गई है। स्टफनेस इसलिए क्योंकि जब बैठक की शुरुआत होती है तब यहाँ पर कृषि मंत्री मौजूद होते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर होते हैं, पीयूष गोयल होते हैं, लेकिन बैठक शुरू होने के 2 घंटे के अंदर ही दोनों मंत्री ये कहते हुए अपने अधिकारियों के साथ बाहर चले जाते हैं कि अब आपको फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को तनाव हो, आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो, क्योंकि हम ये साफ कर चुके हैं कि 1.5 साल तक, कम से कम 1.5 साल तक ये कानून लागू नहीं होगा, किसी भी राज्य में नहीं होगा, और साथ में हम मंथन करेंगे, कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे, और जो आपको सही लगता है उसे हम इसमें शामिल करेंगे। अभी की बात करें, बीते 2 घंटे से 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो किसान नेता है वो विज्ञान भवन में अकेले बैठे हुए हैं। हॉल के अंदर सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री मौजूद नहीं है, और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब आपस में बैठकर बताइए, यहीं पर ही बैठ के बताइए कि आपका अंतिम फैसला क्या होना है, उसके बाद ही हम आपके पास आएंगे, इतने आप आपस में मंथन कीजिए। जी पिना, बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? क्या 26 जनवरी पर जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है उसको भी कुछ तब्दील करने में, उस पर भी कुछ विचार करने में किसान जो हैं टस से मस नहीं हो रहे हैं? राहुल, देखिए, ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस से अलग बैठक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था पिनाज कि इसमें कोर्ट का ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो कल बैठक हुई, जो आज सुबह बैठक हुई, उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से गया कि आप पेरिफेरी रोड का, एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कीजिए, आप दिल्ली के अंदर मत आइए, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस के इनपुट है कि जो अलगाववादी है, नक्सलवादी है, जो बाहर के आतंकवादी हो सकते हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं, वो किसानों के वेश में, ट्रैक्टरों के वेश में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई पास नहीं है, कि सबकी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है। जब 2 लाख के आसपास ट्रैक्टर होंगे तो कैसे उन्हें एक जगह। जी, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो दिल्ली पुलिस लगातार गुजारिश कर रही है, कल तक दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत हुई थी उस पर भी किसानों ने कह दिया था कि ट्रैक्टर मार्च वो निकाल कर रहेंगे।